फ्रेंड्स, आज हम जो रोज पे आई बडिंग करने जा रहे हैं गुलाब पे कलम, तो गुलाब का जो सीजन है विंटर सीजन है, पहले ही बता चुका हूँ कि विंटर सीजन जैसे स्टार्ट हुआ गुलाबों की कलमें करना शुरू जाती है। तो स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि गुलाब की कलमें जो की जाती है उसके लिए प्लांटेशन तैयार किया जाता है, जिसे लहसुन के वाफे बोए जाते हैं नज़दीक नज़दीक। तो जंगली गुलाब होता है जिसे 7 से 9 पत्तियाँ रहती है, तो उनका जंगली गुलाब का 20 सेंटीमीटर की लकड़ियाँ ऐसी साइज की, इतनी मोटी कम से कम या अंगुली नुमा मोटी ऐसी साइज की, पेंसिल साइज की मोटी कलमें 20 सेंटीमीटर के साइज की जमीन में रोपण की जाती है। और उसको फिर लगभग यानी 6-7 महीने बाद में, तो 1 साल बाद में उस पर कलमें की जाती है। तो उस पर जब ब्रांचिंग इस प्रकार की आती है, तो देखिएगा यहाँ मैं अभी कंसिडर करो, अभी यहाँ जब जो पेड़ है, यहाँ देसी वेराइटी का पेड़ है, लेकिन यह भी पेड़ बहुत ज़बरदस्त होता है, गुलाबी गुलाब जिसे कहते हैं। इसका पेड़ बहुत हाथ जैसे मोटा होता है, तो इसका इसके ऊपर भी यहाँ कलम जो है। जंगली गुलाब आपके पास नहीं है तो इस पे भी, इसके भी आप प्लांट तैयार करो, ये जो गुलाबी गुलाब के, और गुलाबी गुलाब के प्लांट तैयार करने के बाद में 1 साल बाद में इसे छटिंग कर दो। तो छटिंग कब करने का, तो दोस्तों देखिएगा, जैसे नवंबर में आपके कलम स्टार्ट हो जाती है इसकी बांधना, यानी नवंबर विंटर सीजन शुरू, तो अक्टूबर में इसकी छटिंग कर दो। मैंने इसकी छटिंग, गुलाबी गुलाब की छटिंग, बहुत बड़ा पेड़ है, तो इसपे मैं अभी कम से कम 5-6 प्रकार की गुलाब की कलम बांधूंगा। तो इस प्रकार आप अगर इसे 1 महीना पहले छटिंग करते हो तो इस प्रकार की ब्रांचेस निकल जाती। तो अभी ये ब्रांचेस जो है देखिएगा, कम से कम रिफिल साइज चाहिए, तो इस पे भी सकते, इस पे फिट कर सकता हूं मैं, इस पे भी फिट कर सकता हूं, इस पे एक मिनिमम रिफिल साइज की, जो डॉट पेन की रिफिल रहती बॉल पेन की, उस साइज का मिनिमम ब्रांच चाहिए। तो इस प्रकार आपको करना है। तो जनरली अब यहां बड़ा पेड़ है इसलिए मैं अभी ऊपर करूंगा, लेकिन जनरली आप जब इसकी कलमें जब लगाते हैं तो कलमों को लगभग नजदीक से जमीन के लेवल, नजदीक से नजदीक जितना नजदीक करोगे कलम उतना अच्छा है। हालांकि मैं इस पे ऊपर में बांध रहा हूं क्योंकि मैंने इसे ऊपर से ही कट की थी, हालांकि मैं इससे अगर से जमीन से 1 फीट ऊपर से काटा रहता तो इसमें जितनी ब्रांचेस है, लेकिन एक प्रैक्टिकल करके मैंने इस पे अभी कर रहा हूं। तो अभी जो अभी देखिएगा यहां जो है इस प्रकार की आपको कलमें लेके आने की है, जिस गुलाब की, तो गुलाब की कलमें सिलेक्ट आप जब करते हैं तो किस प्रकार सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ मेरे फ्रेंड के यहाँ पर कम से कम 15-20 कलर के गुलाब थे, वहां से मैंने लेके आया। तो देखिएगा सिलेक्ट जब आप करते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की लकड़ियां सिलेक्ट करने का। देखिएगा जैसे ये गुलाब का फूल झड़ जाता है, ये तो ऐसी मार के देखने का, उस डगाल को ऐसी अंगूठे से मारे तो पत्तियां झड़ने लग जाती है, या तो नई भी झड़ी और फ्रेश फ्लावर भी, उसकी भी लकड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पत्ती झड़ने के बाद में इस प्रकार की टहनी रह जाती है। देखिएगा तो कम से कम आपको अंकुर निकालने के लिए मिनिमम आपको बताना चाहता हूँ, रिफिल इतना साइज मिनिमम चाहिए, ख्याल में रखिएगा। और उस प्रकार यह भी बहुत बेस्ट है। तो इस प्रकार आपको मिनिमम रिफिल नुमा साइज चाहिए, तब आपका बड निकालने के लिए सुविधा जाती है। तो इस प्रकार आपको ज्यादा नहीं 5 या 7 अंकुर का ये स्टेम लाना है, यानी कौन था जो फूल फला हुआ है। तो देखिएगा यहाँ फूल फला हुआ है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 बड़ है, इस प्रकार 5 या 7 बड का लकड़ी इस प्रकार आपको लाने का है। देखिएगा यहाँ, तो मैं अभी अंकुर निकाल के बताता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ अंकुर है, यहाँ पेटीवल है, इसके ऊपर से 1 सेंटीमीटर ऊपर से, आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऊपर से ऐसा इंसर्ट करके, ब्लेड से, ताजी ब्लेड चाहिए, ऐसा अंकुर आना चाहिए। देखिएगा यहाँ इस प्रकार लंबा ऐसा ऊपर जाते वक्त ऐसा करने का, ये इसलिए कि आपको फिर बाद में इसे आप छोटा कर सकते हैं। देखिएगा अब यह हो गया ऊपर का, अभी इसको निकालने का है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाकू नेल कटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यह चाकू है नेल कटर का। अब ये जो इसके साथ में चमड़ी के साथ में जो हार्डवुड है, यहाँ पर हार्डवुड है, ये देखिए यहाँ देखिएगा इस प्रकार इसको बेंड करने का, तो ये बराबर ही ऐसे निकल जाता है। अब ये स्किन को धीरे से, ये जो हार्डवुड है जो चमड़ी के साथ में जो रहता है इसे, अब यहाँ निकल गया, तो देखिएगा इसको धीरे से इधर पकड़ने का धीरे से, और इसको इस प्रकार स्नैच करने का। देखिएगा दोस्तों इस प्रकार अंदर में सिर्फ स्किन है, तो यहाँ हार्डवुड निकल जाता है जो इसके, उसके बाद में इसे आप कम कर दीजिएगा, इसे इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए, जैसे जिसे इतना आधा सेंटीमीटर लगभग इतना बड़ा पोर्शन, उसके बाद में हमें इसे ऐसे पकड़ के रखना है आपको, या तो यहाँ इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में
जहाँ आपको बांधने का वहाँ के कांटे तोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार कोवली ब्रांच चाहिए ऐसी, तो मैं अभी यहाँ पर चीरा लगाऊंगा वर्टिकल, यहाँ देखिएगा। तो उसके बाद में दो तीन प्रकार का है, ये टी हो गया, और टी होने के बाद में इसे आप ये कर लेने का है, ढीला कर लेने का स्किन, यहाँ देखिएगा, यहाँ ढीला कर लेने का है, यहाँ देखिएगा। और उसके बाद में आपको इसमें इंसर्ट करने का है, तो यहाँ अंकुर आपको सीधा इंसर्ट करने का, देखिएगा। अब इस ऐसा पकड़ के आपको चाकू की सहायता से, अगर से नहीं जमता तो आप इसमें आप इंसर्ट कीजिएगा ऐसा, इधर का भी ये कर लीजिएगा बार्क, ये देखिएगा आप। मैं अभी इसे धीरे से ढके लूँगा अभी यहाँ, या तो आप ऐसे भी पुश कर सकते हैं ताकि बर्ड ना टूटे, बस यहाँ आपको ध्यान में रखने का है। यहाँ देखिएगा, अब इस प्रकार यहाँ बर्ड अंदर एंट्री हो गई है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर, तो दोस्तों अब इसे हमें पॉलीथीन से बांधने का है। अब कोई जरूरी नहीं दोस्तों अपन शुगर वगैरह शक्कर वगैरह लाते मार्केट से लेके, वहाँ ऐसी पतली पॉलीथीन रहती है, उसकी भी आप स्ट्रिप बना सकते हैं। लेकिन स्ट्रिप बनाते वक्त तो वो खड़ी चीरा मार के स्ट्रिप बनाएगा, आड़ी नहीं पॉकेट को। और उसके बाद में इससे कम चौड़ी पे स्ट्रिप बांधी है इसके गुलाब के लिए, इतनी चौड़ी, लेकिन मैं अभी यही बांध रहा हूँ। तो देखिएगा अभी मैं अभी नीचे से लपेट रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। सिर्फ अंकुर को आपको खुला छोड़ने का है, यहाँ देखिएगा इस प्रकार। और उसके बाद में अब इसे ऊपर से मैं यहाँ, यहाँ देखिएगा इस प्रकार क्रॉस मार के, ये सिर्फ अंकुर खुला छोड़ के रखा मैंने, यहाँ दोस्तों। आपका ग्राफ्टिंग 15-20 दिन के बाद में यह अंकुर बढ़ना चालू हो जाएगा, यहाँ से अंकुर बढ़ना चालू हो जाएगा, तब आपको यहाँ से ऊपर से कट कर देने का है। बशर्ते मैं यहाँ पर दो अंकुर फिट करूँगा, यहाँ एक करूँगा, ताकि एक हाथ फेल हो गया तो उसके लिए। तो आप इस प्रकार गुलाब का यहाँ कलम जो है, यहाँ एक वे हो गया, जो कि फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने इतने साले कलमें अभी फिट किए हैं। अभी देखिएगा, अभी मैंने इनके ब्रांचेस इसलिए उड़ा दिए, अभी यानी पूरा फूड मटेरियल इन्हें प्राप्त होना चाहिए। आप अगर जब कुछ कलमों को अगर से यानी करने के बाद में नहीं भी उड़ाए तो चलेगा, और नहीं उड़ाना चाहिए। मैंने अभी उड़ा दिए हालांकि, क्योंकि अगर फेल हो गए इन सिचुएशन तो आपके पास ब्रांचेस ऊपर नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप से राय है कि आप अगर छोटे पौधे आपके पास में तो नीचे से नीचे आप बर्ड ग्राफ्ट कर दीजिएगा, आई बर्ड, और उसके बाद में उसे रख दीजिए। और 15 दिन के बाद में जो देखिएगा, ये जब अंकुर जो अपने अंदर डाला है वो हरा है, ग्रीन है, तो फिर बाद में उसे कट कर दीजिएगा ऊपर के पहाड़ को और बाकी अदर ब्रांचेस को। इस प्रकार को आपको प्रिकॉशन लेना है। लेकिन अभी की पानी का मौसम है, अभी दिसंबर चल रहा है अभी, लेकिन पानी का मौसम है, इसलिए मैंने इसे ऊपर कट करके, ये कट इसलिए किया कि झिल्ली इसे पहनाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, अदरवाइज वो उन्होंने झिल्ली नहीं पहना सकता था। जैसे इसे भी मैंने अभी ये कर दिया है, क्योंकि पानी है तो पानी अभी एंट्री मार के खराब कर सकता है। वैसे ये बट एक खुली बर्ड है, इन्हें भी मैंने ये पहना दिया है टोपी। तो इस प्रकार, तो यहाँ देखिएगा इस पेड़ पे मैंने ये दो बर्ड बांधी हुई है। तो इस प्रकार आप बर्ड बांधने के बाद में इसको ब्रांच को मत काटिएगा, और 15-20 दिन के बाद, 15 दिन तक ये हरा रहा अंकुर, देखिएगा यहाँ ये अंकुर 15 दिन के बाद में अंकुर जैसे हरा है कंसिडर करो। और ये पेटीबल जो है, जो पत्ती का जो है, वह सूख जाता है जनरली, आपको बताना चाहूंगा, वो झड़ जाता है पिलाओ के, लेकिन जो छाल और वो अंकुर है वो हरा रहता है, और वह हरा रह गया 15 दिन के बाद में, तो आज इसके ऊपर से आपको कट कर लेने का, ताकि पूरा फूड मटेरियल इसे मिले और बढ़े। ये लगभग 20-25 दिन का बढ़ना चालू हो जाता है, फिर अदर जो स्प्राउटिंग जो है इस पेड़ की, उसे बढ़ने नहीं देना। इस प्रकार का आपको प्रिकॉशन लेना है, अदर अननेसेसरी ब्रांचेस कट कर दीजिएगा। तो और ये झिल्ली की बात है, रही झिल्ली के बाद, तो झिल्ली का जब यहाँ से जो फुटवा है, ये जो स्प्राउट है,
जो अंकुर है बढ़ना चालू हो जाएगा, बढ़ना जैसे चालू हो गया 2-3 सेंटीमीटर बढ़ गया, 4 सेंटीमीटर समझो इतना बड़ा हो गया लंबा लगभग, उसके बाद में इसे ब्लेड से पीछे से ब्लेड से मार के यहाँ जो पॉलिथीन हमने बांधा है वहां से निकाल लीजिएगा, कट करके निकाल लीजिए। इस प्रकार आपको प्रिकॉशन लेना है। और इस पेड़ जो ओरिजिनल जो पेड़ है जिस पर हमने कलम किए उस पेड़ के कोई भी स्प्राउटिंग को आपको बढ़ने नहीं देना है, सिर्फ बड जो किए है बड का ही पोर्शन आपको बढ़ने देना है, बड की ब्रांचिंग, इस प्रकार को प्रिकॉशन लेना है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।